सोशल मीडिया पर प्रसारित खबर कब्रिस्तान में मिली ईवीएम के संबंध में खंडन। कल 17 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ। मतदान में सेक्टर अधिकारियों को रिजर्व मशीन दी गई थी। यदि कहीं मशीन खराब होती है तो आवश्यकता पड़ने पर रिप्लेस किया जा सके और मतदान सुचारू रहे। सोशल मीडिया पर कब्रिस्तान बोलेरो में मिली ईवीएम यह खबर प्रसारित हो रही है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने खंडन जारी किया है। पौरी विधानसभा का यह मामला है। गोपालपुर सेक्टर अधिकारी गणेश शंकर दीक्षित के पास दो रिजर्व ईवीएम मशीन, दो बीबीपैच, दो सीयू थी जो निर्वाचन संपन्न होने के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में जमा होनी थी। ये रिजर्व मशीन है, ये पॉलिट ईवीएम नहीं है। इस मामले पर इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष दिनेश वशिष्ठ, ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर राम दुलारी यादव को समक्ष में अवगत कराया गया। पौरी गोपालपुर के सेक्टर अधिकारी गणेश शंकर दीक्षित को सीधे मशीन जमा करने पॉलिटेक्निक पहुंचाया गया था, परंतु वह कार्यालय और रेस्टोरेंट रुककर पहुंचे। इस लापरवाही पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सेक्टर अधिकारी गणेश शंकर दीक्षित को निलंबित किया है।